ब्रेक के बाद स्वागत है आपको। और अब सीधा रुख करते हैं चंडीगढ़ की तरफ। ओमकार चौधरी जी हमारे साथ हैं। ठीक नासिर भाई, बिल्कुल स्पष्टीकरण ठीक है। नहीं नासिर भाई, एक स्पष्टीकरण चाहिए, बिल्कुल संक्षेप में जी। सत्ता के मद में चूर बीजेपी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ। आप पूछिए, मैं आपको वक्त दूंगा पूछने का। नहीं भैया जी, मैं वक्त दूंगा, ओमकार जी भी हमारे साथ हैं। काफी चले नहीं, चर्चा जब भी चलेगी जब ये बता देंगे, मैं ले लूंगा फिर। एक बार वीडियो के वकील कौन बन क्या आया था, मैं आपका सवाल ले लूंगा। रामलाल कौन है, ओमकार चौधरी जी आपको पता नहीं, शर्म आनी चाहिए। अरे आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं है, हरियाणा को जलवा दिया बार बार, हर साल जलवा देते हो, कौन सा त्योहार मनवाते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी पूरी सरकार खड़ी थी, उसकी सरकार खड़ी है, उनको आप पहुंचाने का काम किसने किया? नासिर भाई पहुंचाने का काम किसने किया? अरे ये लोग लेके गए, अरे जलवा दिया, आप भी जाते शर्म। मैं कह रहा हूँ ये शर्म लोग है, अरे गुंडों का झुंड है ये लोग। सहयोग तो समर्थन ऐसी बात नहीं, मैंने पहले गुंडों का झुंड है, झुंड है ये पार्टी नहीं, पास साफ नहीं है, डेरे शर्म लोग हैं ये। अरे कोई पार्टी पास साफ नहीं है, ऐसे की पैरों कर रहे थे, वो खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, ठीक है ठीक है नासिर भाई, दो दो मंत्री कर रहे थे, दो दो मंत्री कर रहे थे, बेशर्म लोग हैं तो। अरे गुंडों का झुंड है ये गुलिया जी, ठीक है। नहीं नासिर भाई पहले ये जवाब दे, जवाब ले लूंगा। कैसे कैसे हम चौधरी के पैरोकार वकील बन गए? अरे ये थे पैरोकार, ये है वकील। ओमकार चौधरी जी, जो सवाल इस वक्त उठ रहे हैं कि डेरे के सर्च अभियान में, सिरसा डेरे के सर्च अभियान में देरी हो गई है, अब कुछ मिलने वाला नहीं है, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पूर्व सेवादार हंसराज की तरफ से सवाल उठाए गए, और सरकार का यह कहना है, चौहान साहब ने यह कहा कि इस तरह के सवाल बेबुनियाद है और गुमराह करने वाले हैं, सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए ऐसा है कि जब तक डेरा प्रमुख को इस मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था और आवाज नहीं आ रही, नहीं सुनाई गई थी जी सर, तब तक उनके जी ठीक है सर, आ रही आवाज आपकी, कहिए। तब तक उनके बारे में कोई, जब तक डेरा प्रमुख को सजा नहीं सुनाई गई थी, उससे पहले तक कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई मीडिया संगठन एक शब्द बोलने को तैयार नहीं था, बिल्कुल, उनके बारे में या डेरे के बारे में कि वहाँ किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज सब शेर बने हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता भी और मीडिया हाउसेस भी, रोज नई नई कहानियाँ आ रही हैं, रोज ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जैसे वो कोई आश्रम ना होकर के, कोई आध्यात्मिक संस्थान ना होकर के कत्लगाह है और वहाँ सारे पाप ही होते हैं और कुछ नहीं होता है। इस तरह की बातें के साहब लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, उसके ऊपर पेड़ बो दिए जाते हैं। अब तो मतलब डेरे के ऐसे लोग भी सामने आने लगे हैं जो अब तक खामोशी ओढ़े हुए थे जी। तो भाई जांच होने दीजिए, और जांच की एक प्रक्रिया होती है, ये हाईली सेंसिटिव मामला है, ये सब जानते हैं। इसके बावजूद अगर किसी को राजनीति ही करनी है तो वो कर सकता है, इससे अगर कोई राजनीतिक बेनिफिट मिलता हो तो ले लीजिए, पर चूंकि ये बहुत संवेदनशील मसला है और हाई कोर्ट या कोर्ट के आदेश के बाद ही प्रशासन को या पुलिस को या सरकार को कदम बढ़ाने होते हैं, तो मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है जी। ठीक है, नहीं एक एक सवाल, नहीं कोर्ट ने कहा था पंचकुला में लोगों, ओंकार जी कोर्ट माननीय कोर्ट ने कहा था कि पंचकुला में लोगों को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, सरकार गलत करी है। उन्होंने तो डीजीपी को भी सस्पेंड तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की बात कही थी, सरकार को ताकीद किया था कि इन लोगों को यहाँ इकट्ठे ना होने दिया जाए, माननीय कोर्ट की टिप्पणी है। अच्छा, माननीय कोर्ट ने ये कहा, अभी गुलिया जी, गुलिया जी मेरे ख्याल से इस पहलू पर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बहुत बहस हो चुकी है इस पर, तो आज हम दूसरी बातों पर कर रहे हैं, आज हम सर्च अभियान पर कर रहे हैं, आज जो आरोप लगे और जो सच कहूं अखबार में उन्होंने अपने जवाब दिए उस पर हम बात कर रहे हैं। गुलिया जी, नहीं नासिर भाई, मैं तो पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि ये पैरोकार, ये वकील है उनके जिनकी ये बात है, जवाब ले लीजिए। और दूसरी बात, वो राजस्थान, वो राजस्थान के रस्ते से पूरा परिवार निकल गया, क्या सरकार को पता लगा था, क्या सरकार को पता लगा था, क्या चौहान साहब जी कहिए। नासिर भाई, बहुत संवेदनशील मामला था, है उस संवेदनशील और ऐसा मामला जो विस्फोटक रूप ले सकता था, उसमें से प्रदेश को न्यूनतम नुकसान में सरकार निकाल करके लाई है,
वो तो हमारे मित्रों को, इनेलो के मित्रों को दिखाई नहीं देता, इनको ये दिखाई देता है कि भाजपा बेशर्म है, भाजपा गुंडों का दल है। हरियाणा में गुंडों के दल की छवि अगर किसी एक पार्टी की है, बच्चा बच्चा जानता है, वो इनकी पार्टी की है, उसको इंडियन नेशनल लोकदल कहते हैं। आपके तो राष्ट्रीय स्तर की, आपके तो राष्ट्रीय स्तर की बता देता हूँ, आपके तो राष्ट्रीय स्तर की बता देता हूँ, आपके राष्ट्रीय स्तर की बता देता हूँ, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुंडा कहा जाता है, गुजरात से तड़ी पार, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात से तड़ी पार है। मुझे मुझे मर्यादा की बात को मुझे मर्यादा सीखने की कतई आवश्यकता नहीं है। उस पार्टी के प्रवक्ता है, प्रवक्ता है जिसके दो दो मंत्री गठित, दो दो मंत्री पंचकूला के अंदर लोगों को सेवाओं के लिए बढ़ावा देने का काम करते हैं, दो दो मंत्री पर चर्चा मीडिया के सामने लोगों को पंचकूला में इकट्ठे होने देने का बढ़ावा देने वाले बयान देते हैं, ये उस पार्टी के प्रवक्ता है। अपने सर्व लोग हैं, 40 आदमियों का मरवा दिया, ठीक है गुलिया, पंचकुला जैसे शहर को इन्होंने जलवा दिया, शर्म आनी चाहिए इनको, कितनी बेशर्मी से डिफेंड करते हैं। नासिर भाई क्या मान लिए, सर और भी लोग हैं, सर और भी लोग हैं, अगर चलने देनी है अपने नासिर भाई तो मैं मुझे क्यों बोले आपकी झूठ सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे, आपकी झूठ सुनने के लिए बैठे, भाषा का इस्तेमाल कर बाद में फैसला कीजिएगा, जब आपको मौका दिया जाए तब भाषा पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। आपको आपको आप एक ही बात दोहराते रहेंगे क्या, आप एक ही बात दोहराते रहेंगे क्या, आप जो कह रहे हैं एक ही बात दोहराते रहेंगे, सफाई दीजिए अपने कुकर्मों की, गुंडागर्दी के लिए कौन पहचाना जाता है, कह रहे हैं उनके पैरों का, जिनको सरकार ने उपद्रवियों को मारा है, आपके शिक्षा मंत्री ने कहा था कि आस्था पर 144 लागू नहीं होगी, उनको इकट्ठा होने दिया, उनको आपने इकट्ठा होने दिया। नासिर भाई बात पुरानी नहीं, 40 लोगों की जिंदगी चली गई, सरकार जिम्मेवार है, ये तो नैतिकता के आधार पर सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। ओमकार जी से ये न्यूनतम बात, न्यूनतम नुकसान की बात, कंडेला भूल गए ओमकार जी, कंडेला के बाद इस्तीफा दे दिया था आपकी सरकार ने, सरकार ने बड़े बड़े नुकसान से शर्म आती है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए, किया शर्म आती है इस तरह की बकवास करते हुए, बेतुकी बातें करते हुए। आपका इस पर क्या कहना है, और जिस तरह से जो आपने एक बात कही, मैं इत्तेफाक रखता हूं कि इससे पहले मीडिया हो या चाहे राजनीतिक दल हो, कोई बोलने को तैयार नहीं था, और जैसे ही फिर मीडिया पर हमले शुरू हुए, उसके बाद मीडिया ने भी फिर बलात्कारी बाबा न जाने क्या कुछ कहा, ये सारी चीज़ सबके सामने है। लेकिन इस वक्त जिन चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है कि न्यूनतम नुकसान की तरफ सरकार ले गई थी, हालांकि फिर सरकार को इस न्यूनतम नुकसान पर भी हाईकोर्ट की फटकार लगी थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि उसके बावजूद नहीं हो सकता था, ये भी हाईकोर्ट में कहा है नासिर भाई। जी 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 भाई, इसका इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए कि इतने लोग भी क्यों मारे गए, इतना नुकसान भी क्यों हुआ, वहाँ पर लोग जुटने ही क्यों दिए, तो ये सवाल तो हैं। और ये सवाल अगर मीडिया में उठ रहे हैं, विपक्षी दल उठा रहे हैं, तो इसको आप गैर वाजिब नहीं कह सकते। अब आप कहें कि साहब धारा 144 में हम ये एरर रह गया, क्लरिकल मिस्टेक रह गई कि 4 या 5 से ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकते, तो ये गलती किसकी है। और ये भी बात सामने आ गई है कि जो चीज़ जो 144 का मामला वहाँ पे लागू किया गया था निषेधाज्ञा पंचकुला में, वही कागज़ जो है वो सारे जिलों में भेज दिया गया जो जो सेंसिटिव थे, यानी ये चीज़ जो है ये सारे प्रदेश में, गलती सारे प्रदेश में हुई कि कहीं भी कोई 5 से ज़्यादा आदमी जुट सकता है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठेंगे और इनका जवाब तो सरकार को देने पड़ेंगे। तो जो ये बात कही जा रही है ना कि न्यूनतम नुकसान हुआ है, नुकसान चाहे जितना भी हो, न्यूनतम हो या न्यूनतम से भी न्यूनतम हो, वो नुकसान है, वो प्रदेश का नुकसान है, प्रदेश की छवि भी बाहर कोई बहुत अच्छी नहीं जाती है। और ये तीसरा मौका है जब इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई हैं, तो सरकार को ये स्थितियां निर्मित ही ना हो। अच्छा सर, एक सवाल और था, एहतियातन पहले ही इसी तरह से क्या इस पर
जो सर्च अभियान में, बहुत संक्षेप में इसका आप जवाब दीजिए, फिर मैं आपके जो सवाल थे कि ये जवाब देने होंगे कि देरी हुई है और जो जगहों पर नाम चर्चा घर थे या डेरे थे वहाँ पर तो बहुत जल्दी सर्च अभियान चलाए गए, सील भी किए गए हैं नाम चर्चा घरों को, तो यहाँ पर जल्दी भी हो सकती थी कुछ? आपको क्या लगता है जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि देरी कर दी है यहाँ पर सिरसा में? मुझे ऐसा लगता है कि सिरसा का मामला थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव है जी, और वहाँ पर कर्फ्यू भी इम्पोज करना पड़ा, सेना को बुलाना पड़ा, कई बार फ्लैग मार्च करने पड़े, अतिरिक्त सुरक्षा बल वहाँ तैनात करने पड़े जी, जी, और डेरे के भीतर काफी संख्या में वहाँ पर डेरा प्रेमी मौजूद थे, तो ऐसी स्थिति में कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ओमकार जी, और हमारे साथ इन सवालों को उठाने वाले हंसराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सेवादार रहे हैं ये डेरा सिरसा के। स्वागत है आपका हंसराज जी। जी हंसराज जी, आपने आपका ये कहना है कि अब जो सर्च अभियान चलाया जाएगा, सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं है जी? ऐसा मैं हाँ, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि बहुत देरी हो चुकी है और सबसे पहले जो पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं यहाँ पे बहुत मजे हुए हैं और बहुत समझदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि किसी तरह की भी राजनीति रोकना ना सीखें किसी भी तरह से। जो आज के हालात हैं, आज के मुद्दे पे बात कीजिए, जो मुद्दे की बात ये है, वहां मैंने 15 साल का टाइम पीरियड बताया है। मैं ये कह रहा हूं कि जब माननीय अदालत ने एक फैसला दिया है 48 घंटे पहले कि सर्च अभियान कीजिए, ठीक है, लेकिन उससे पहले 25 तारीख को ये क्लियर हो गया था, राम रहीम को गिल्टी करार दे दिया गया था और 28 को सजा का ऐलान हो गया था। और मैं ये कह रहा हूं जो सबूत मिटाने में ये लोग एक्सपर्ट हैं, ये एक्सपर्ट कैसे हैं कि अगर मैं 2000 या 2002 की बात करूं तो ए जो डेरा मैनेजर होते थे फकीर चंद की शाह मस्ताना जी धाम में, ठीक है, जहां पे उनको मारा गया था, जहां पे मार के उनको दबाया गया था, उस गुफा के अंदर, गुफा के नीचे काफी टाइम तक वो पड़ा रहा, लेकिन जैसे सीबीआई मार्किंग हुई थी, सीबीआई की जांच लगी थी रेप केस के अंदर, तो इनको ऐसा लगा था कि ये मुद्दा फिर से ना उठ जाए, तो बाबा ने वो जो गुफा की मिट्टी थी वहां से मिट्टी ही पूरी गायब करवा दी और दूसरी मिट्टी दूसरे खेत की वहां पे डलवा दी, ठीक है, और उसके अंदर जो रामचंद्र छत्रपति के मर्डरर्स थे दोनों, एक निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह जो सेंट्रल जेल में है अंबाला, ठीक है, वो भी इस चीज को अंजाम दे रहे थे, तो बाबा का पूरा गैंग है। और अगर मैं एक सवाल और कि एक तरफ जो सच कहूं मैं, कुछ खबरें आप आरोपों पर जवाब दिए हैं, जो खबर छप रही थी कि वहां पर नरकंकालों के ऊपर पेड़ लगा दिए जाते हैं, लोगों को मारकर वहीं दफना दिया जाता है, तो उस पर डेरे का ये कहना है कि ये तो डेरा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कर रहा है कि अस्थियों को नदियों में नहीं बहाया जाता बल्कि वहीं पर दफना दिया जाता है। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से जिन्होंने भी ये अखबार में छापा है, ये रात को इन्होंने तैयार किया है, इससे पहले इनका कोई बयान नहीं आया है। जब से हम लोगों ने इस चीज को इन लोगों को सीरियस लिया है कि वह नरकंकाल है, वह लोगों को दबाया गया है, उसके बाद से इन्होंने ये छापना शुरू किया है, ये रात को इन्होंने छापा है ताकि किसी तरह की जब सर्च अभियान निकलता है, अब जो वहाँ पे हड्डियां पड़ी हैं, वहाँ पे लोग दफनाए गए हैं, उस चीज को तो ये खत्म नहीं कर पाएंगे। बाकी ये जो मैं ये कह रहा हूँ, जो कागजी सबूत थे, जो इन्होंने किसी तरह के डॉक्यूमेंट थे, जो लोगों से हल्फिया बयान लिए थे, जो इलीगल एक्टिविटीज के अंदर जिन लोगों की हिस्सेदारी होती थी, उन चीजों को इन्होंने गायब करवा दिया है। ठीक है, अगर मैं नेजिया खेड़ा वहाँ पास में गाँव है, अगर मैं उन ग्रामीण लोगों की बात भी बताऊं तो उन लोगों की स्टेटमेंट भी यही कह रही है कि जो चोर गेट है डेरा के, जो पीछे की तरफ नेजिया खेड़ा है और इधर से बेगू आता है, जो नेजिया खेड़ा है उसकी जो रोड है लाहौर मादरा की तरफ जाती है। आपके इन सवालों का जवाब हम लेंगे। चौहान साहब हमारे साथ हैं बीजेपी से, वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, और भी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सिर्फ मैं अभी बता दूं अपने तमाम मेहमानों को कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, चार चार एक एक मिनट आप सभी को और एक मिनट मेरे लिए। बिलाल साहब, मैं तो नासिर भाई इतना ही कहूंगा, अभी वीरेंद्र चौहान जी जिस बात को कह रहे थे कि न्यूनतम नुकसान को करके, भाई न्यूनतम और अधिकतम की सीमा तो ये लोग जानते होंगे। जिस तरीके से जो हरियाणा का हाल इन्होंने, अब तक इनको अनुभव नहीं हुआ, 3 साल इनको सत्ता में रहते हुए हो गए और इतनी अनुभवहीनता का परिचय
जो बीजेपी की सरकार दे रही है ये समझ से बाहर है। जनता ये जानना चाहती है कि हरियाणा को ये किस और ले जाना चाहते हैं, आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर। पहले रोहतक जलवाया और ये जो बात आ रही है, जो डेरा की बात आ रही है ना, डेरा को जो बढ़ावा दिया है मात्र इस बीजेपी की सरकार ने दिया, इनके मंत्री ने, जो अभी आ रही थी 51 लाख रुपए इनके मंत्री ने दिए, 50 लाख रुपए अनिल विज जी ने दिए और मनीष ग्रोवर ने तो अभी 11 लाख रुपए दिए। इसको जो बढ़ावा दिया, जितनी जो जो कोर्ट प्रोसीडिंग जो लास्ट मूवमेंट पे चल रही थी और सारा निचोड़ आ रहा था निकल के, उसको बढ़ावा देने का जो काम इस सरकार ने किया और 39 आदमियों को मरवाने का जो ये कातिल सरकार है। हमारी समझ से बाहर है कि अधिकतम और न्यूनतम की परिभाषा ये बताएंगे और कहां लेके जाना चाहते थे, ये समझ में नहीं आ रहा कि 40 आदमियों को मरवाने के बाद में अब भी न्यूनतम की बात कर रहे, कितनी बेशर्मी की बात है। इनको इसके ऊपर खेत पर कट करना चाहिए और अभी तक इनकी इस तरह की कोई बातें आई नहीं है, जिस तरीके से जो माहौल बनाकर आस्था के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, ये रोटियां सेकनी बंद करें। एक मिनट में कह दीजिए, फिर उनको जवाब देने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। भाई बिल्कुल पूरा एक मिनट से भी कम समय लूंगा मैं तो। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, पहली बात तो 134 सरकारी आंकड़ा है, 103 को किया गया, बाकी क्यों नहीं किया? 103 का भी आदेश क्या कोर्ट में लिखा था, कोर्ट मान्य कोर्ट के आदेश में लिखा था कि 103 को करेंगे, नहीं ना, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, बता देता हूं इनको, जवाब देना इनको। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, जब डेरे का एक गेट राजस्थान में भी है, पीछे का जो बार बार कहते हैं चोर दरवाजे हैं, जब डेरा प्रमुख का वहां से परिवार निकल करके गया, क्या सरकार को पता लगा था या किसी मीडिया को पता लगा था? अगर सैकड़ों गाड़ियां वहां से, रिपोर्ट है अब आ रही है, लोग बता रहे हैं कि सैकड़ों गाड़ियां वहां से निकली हैं जो आपत्तिजनक वस्तुएं डेरे के अंदर होंगी या थी या नहीं थी, वो जो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है, अलग चर्चा की बात है, तो वो वहां से निकल गया होगा, सरकार ने क्या उसको ब्लॉक करने का काम किया था? क्या आपकी नजर थी वहां पे? क्या आपको पता था कि इसका एक गेट राजस्थान में भी? अगर पता था तो उसको जानबूझ करके क्या आपने खुला छोड़ दिया? आपकी तो मिली भगत है, माननीय कोर्ट ने भी कहा है सरकार के और डेरे की पूर्ण रूप से मिली भगत थी। अगर 144 के अंदर गलती हो गई थी, 144 के अंदर गलती हो गई थी, तो जब लोगों ने कैमरे में, मीडिया ने सवाल पूछे, तो रामविलास जी कह सकते हैं गलती होगी, उसको तब सुधारा जा सकता था, लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए थे तब सुधारा जा सकता था, लेकिन उनको होने दिया गया। बकायदा बेशर्मी से कहा गया कि आस्था के ऊपर 144 नहीं लागू होगी, सब पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। वीरेंद्र सिंह चौहान साहब जी, देखिए मैं और उनको भी आपने सुना होगा जो पूर्व साधु हंसराज थे, उनके बिलाल सवाल के सारे जवाब दीजिएगा। बिलाल साहब ये कहना आपकी ज्ञान की अधिकता को दर्शाता है कि रोहतक को धर्म के आधार पर जलवा दिया। धर्म मैंने रोहतक क्या धर्म के उसमें नहीं किया, आपने जलाने का काम किया, मैंने उसमें धर्म का रोहतक का काम। अब बोलो ना बीच में, अब सुन लो भाई, ठीक है चलिए क्लियर। बिलाल साहब सबने सुना है, सुनते क्यों नहीं? आप जात पात का खेल खेला आपने, स्पष्ट करिए, आप जात पात का खेल खेला, वहां सुन लीजिए, जात धर्म नहीं मिला, जात पात का खेल जवाब देने दीजिए। बिलाल साहब जात पात का खेल जवाब देने दीजिए। मोहम्मद बिलाल को, ठीक है, मोहम्मद बिलाल को और उनकी कांग्रेस पार्टी को रोहतक को जलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। अपनी बात नहीं कीजिए, आप मांगे पार्टी को, आपने जात पात के नाम पर लाल साहब के मुद्दे पर बात चाहिए, जान साहब के मुद्दे पर बात। और सुनिए, ठीक है, सुनिए मोहम्मद बिलाल, कहिए, मैं कह रहा हूँ ना, इन्होंने इधर की उधर की बात की तो इनको जवाब देना जरूरी है कि हरियाणा की वर्तमान सरकार ने इस संवेदनशील मामले को हैंडल करने में अपनी तरफ से पूरी चौकसी बरती है, और विपक्ष भी इस बात के इंतजार में था कि पूरा हरियाणा जल उठे, हमने उस स्थिति को उत्पन्न नहीं होने दिया। न्यूनतम नुकसान हुआ है, बार बार एक ही बात कह रहे हैं, राजस्थान के राजस्थान आगे उसका जवाब कौन देगा? अरे एक जवाब नहीं दिया, ओमकारी आखिरी बार बोले, मुझे नहीं लगता कि आपका सवाल जवाब, चुप हो जाओ, अरे ठीक है, आपने कह दिया कि आपकी सरकार पूरी तरह से, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता अपनी रटंत लगाए रखेंगे, ठीक है। ओमकार जी आखिरी टिप्पणी सर, बहुत संक्षेप में, पूरा एक मिनट, बहुत संक्षेप में, नहीं मेरे वक्त नहीं, आप लोगों के लिए वक्त नहीं है ना, आप लोगों के लिए वक्त नहीं। ओमकार जी बहुत संक्षेप में आखिरी टिप्पणी, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ओमकार जी बहुत संक्षेप में, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है चौहान साहब, ठीक है ओमकार जी, बहुत संक्षेप में सर प्लीज, अगली बार आए तो ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, क्योंकि आवाज नहीं पहुंच पा रही, बात वही आकर निकल जाती है कि सवाल कुछ किए जाते हैं, जवाब कुछ दिए जाते हैं। अब जो सवाल उठ रहे हैं सर्च अभियान को लेकर,
कोर्ट की निगरानी में सारी चीजें होंगी। सरकार का कहना है कि पूरी पूरी ईमानदारी बरती गई है, कहीं भी किसी तरह की रहमदिली नहीं दिखाई गई है। वहीं दूसरी तर्फ आरोप लग रहे हैं कि सरकार की मिलीभगत है और अब सर्च अभियान से कुछ मिलने वाला नहीं है। अब पता चल जाएगा कि क्या कुछ हकीकतें सामने आएंगी, क्या कुछ मिलेगा और क्या कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।